हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास ट्वेल्थ और क्लास टेंथ के, उन बच्चों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। देखिए, हम सबको मालूम है कि जितने भी बच्चे ओपन स्कूल से क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहे थे, उनके एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो गए हैं। 21 जून से 30 जून तक उनके एग्ज़ाम थे। 5 दिन आपको कॉपी दी गई थी अध्ययन केंद्रों से, और अगले 5 दिन यानी 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको अपने आंसर शीट को जमा करना था अध्ययन केंद्र में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने सारे काम संपूर्ण कर लिए होंगे इस अवधि में। फिर इसके बाद क्लास टेंथ के एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल इसी मोड में स्टार्ट हुए, और 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट अध्ययन केंद्रों से वितरण किए गए। उम्मीद है आप सब ये सारी चीज़ें ले गए होंगे अपने घर, और आप अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे रहे होंगे घर में, और अपने आंसर शीट लिख करके अब आपको 6 तारीख से लेकर के 10 जुलाई तक 6 जुलाई से 10 जुलाई तक अपने आंसर शीट को आपके अध्ययन केंद्रों में जमा करना है। मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी कल या परसों के मीडिया आर्टिकल में ये बात आई थी कि जो रेगुलर कैंडिडेट हैं सीजी बोर्ड के क्लास ट्वेल्थ में, लगभग 10,000 बच्चे फेल हो रहे हैं इस बार। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, लगभग 10,000 स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ में इस बार फेल हो रहे हैं, और उसका रीज़न ये है कि ये बच्चे समय से अपनी कॉपी ले जा नहीं सके अध्ययन केंद्र से, और समय से अपनी कॉपी सबमिट नहीं कर सके अध्ययन केंद्र में। तो इस वजह से सीजी बोर्ड लगभग 10,000 बच्चों को फेल कर रहा है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपको जो भी डेडलाइन दी गई है 6 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक, इस ड्यूरेशन में आपको अपनी कॉपी जमा करनी है, ये बात याद रखेंगे। अगर आप इससे लेट करते हैं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा और फाइनली आप फेल हो जाएंगे। तो इस बात का भरपूर ध्यान रखिएगा कि आपको हर हाल में अपने अध्ययन केंद्र में अपने आंसर शीट्स को ले जा करके इस रिस्पेक्टिव डेट के अंदर अंदर आपको जमा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप लेट करेंगे तो आप सीधे एब्सेंट होंगे और आपको फेल माना जाएगा। तो जो बच्चे सीजी बोर्ड में गलती किए हैं, लगभग 10,000 बच्चे, ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप कॉपी भी लेके नहीं आए हो तो भी आप कोई ना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाके आप अपनी कॉपी अभी भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 10 तारीख के अंदर अंदर अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके कॉपी सबमिट कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।